हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डबल आर एस एक्सीड विजन में। हमने कल सैलरी का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें देखा था कुछ बेसिक बातें, सैलरी, बेसिक सैलरी, कमीशन, डीएनएस अलाउंस, बोनस एंड एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, और हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखा था और देखा था हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। उसके बाद कुछ अलाउंस रह गए थे जो आज हम अपनी क्लास में करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे बेनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। हमने एक अलाउंस होता है ट्राइबल एरिया अलाउंस। कोई भी एम्प्लॉय जो ट्राइबल एरिया जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे कोई काम करता है, कोई अपना कोई भी एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के अंडर ट्राइबल एरिया में, उसको उसका एम्प्लॉयर ये अलाउंस देता है। ये कितना एग्जेम्प्ट होता है, जो एक्चुअल मिला, जैसे हमने एक्चुअल मिला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुई, उसमें से हम क्या लेस कर देते हैं, 200 पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है ये अलाउंस। ठीक है, कितना एग्जेम्प्ट होगा तो है? 200 पर मंथ। अब बात करते हैं, एक अलाउंस और होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये क्या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये तो जो कोई नॉर्मल केस है, ठीक है, नॉर्मल केस में क्या होता है, ये 100% टैक्सेबल होता है। क्या होता है, 100% टैक्सेबल। अगर एम्प्लाई मतलब डिसेबल है, एम्प्लाई क्या है, डिसेबल, डिसेबल का मतलब वो डीफ है, डम्ब है और लो विजन का है, ठीक है, लो विजन ऑफ आई साइट। तो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में उसको 3200 पर मंथ की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 3200 पर मंथ की, जैसे अमाउंट एक्चुअल रिसीव हुई और उसमें लेस एग्जेम्पशन 3200 पर मंथ। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक और अलाउंस है, इंटरटेनमेंट अलाउंस। ये हमारा आखिरी अलाउंस है। इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है, जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसके एम्प्लॉयर ने उसको इंटरटेनमेंट करने के लिए, जैसे जा मूवी देखने के लिए जा, उसको घूमने वगैरह के लिए क्या दे दिया, ये अलाउंस दे दिया, उसका नाम दिया गया इंटरटेनमेंट अलाउंस। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर तो वो बंदा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई है, क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई, तो टैक्सेबल है 100%। ठीक है, अगर वो बंदा है गवर्नमेंट एम्प्लाई तो क्या है, यहां पे भी पहले हम ऐड कर देंगे, 100% तो नहीं लिखेंगे, जैसे इसकी बेसिक सैलरी है, सिंपल पहले बता ही देते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। कितनी मिलेगी, पहले तो लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, पहले तो जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है, दूसरे नंबर पे 1/5 या इसको 20% भी बोलते हैं ऑफ बेसिक सैलरी, और तीसरी 5,000, जो कोई पर मंथ नहीं है, 5,000 सिंपल 5,000 ही है बस। इनमें तीनों में से जो कम होगी उसकी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन, जो कम है, ठीक है, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब हम हमारी तरफ से जो अलाउंस थे वो तो कंप्लीट हो गए, अब हम इंटरटेनमेंट अलाउंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा अभी इसका ट्रीटमेंट होता कैसे है। ठीक है, साथ एक क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ जी, ये हमारा क्वेश्चन है,
कोई मिस्टर जेड है, उसको बेसिक सैलरी कितनी मिलती है? 40,000 पर मंथ। डेली अलाउ डियरनेस अलाउंस 70,000 पर एनम। ऐसे ही उसकी जो फॉर्मिंग पार्ट है सैलरी का है, बोनस कितना मिलता है? 28,000। कमीशन मिलता है 35,000, 28,000 साल का, 35,000 भी साल का है। और ऐसे ही डेली अलाउंस मिलता है उसको 1,400 पर मंथ, और इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 1,000 पर मंथ। अब हमने कहता है जो डेली अलाउंस है, हमने पढ़े थे 6 अलाउंस, उसमें क्या क्या डेली अलाउंस भी उसमें आता था, कौन से थे? ट्रैवलिंग थे, डेली अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, हेल्पर, यूनिफॉर्म और अकेडमिक अलाउंस। उसमें डेली अलाउंस आता है 4,000। अब उसने बता दिया अभी डेली अलाउंस कितना यूज करता है, वो 700 पर मंथ ऑफिशियल यूज करता है, ठीक है। अब उसको कहना कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी निकालनी है इफ ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ ही इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलो जी हम दो कंडीशन बना लेते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जहां पे क्या लिख देते हैं? कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ मिस्टर जेड सैलरी, ठीक है। एक गवर्नमेंट है, एक नॉन गवर्नमेंट। बेसिक सैलरी कितनी है उसकी? 40,000 पर मंथ है। 12 चौका 48, 4,80,000 आ गई। अब दूसरी बात, डियरनेस अलाउंस उसको कितना दिया हो? साल का दिया होगा 70,000। दोनों में जुड़ जाएगा ये तो। अब बोनस दिया हुआ है, बोनस कितना है? 28,000। कितना है? 28,000। कमीशन, कमीशन कितना है? 35,000। उसके बाद उसने बता दिया डेली अलाउंस, डेली अलाउंस कितना मिला है हमें? 1,400 पर मंथ। पर मंथ है, साल का कितना हो जाएगा? 1,400 मल्टीप्लाई 12 जी कैलकुलेटर। सोलह हजार आठ सौ, और इसकी हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी जो ऑफिस के लिए यूज हुआ है। ऑफिस के लिए कितना यूज हुआ? लेस एग्जेम्प्ट कितना यूज हुआ उसने बताया? 700 पर मंथ, तो कितना आ गया? 8,8,400, और 8,400 क्या टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं जी इंटरटेनमेंट अलाउंस की। ये कितना मिला हमें? 1,000 पर मंथ, 12,000 और 12,000, ठीक है। अब इसकी आ गई ग्रॉस सैलरी, चार लाख 80,000 प्लस 70,000 प्लस 28,000 प्लस 35,000 प्लस 8,400 प्लस 12,000, 6,33,400, 6,33,400। अब आप सोच रहे होगे भी इंटरटेनमेंट अलाउंस तो दोनों में ऐड कर दिया, अब इसका ग्रॉस सैलरी भी निकल गई, पर हमने क्या निकालनी है? टैक्सेबल सैलरी। क्या निकालनी है? टैक्सेबल सैलरी। अब देखिए
यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंस हमने क्या किया, दोनों में ऐड किया जी। जी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है जी। क्या किया, इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया। अब हमें यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी इंटरटेनमेंट अलाउंस की। कौन से हेड में, कौन से सेक्शन में, इसमें क्या डिडक्शन होगी इंटरटेनमेंट अलाउंस की, इधर बता देते हैं। लोन्स, ठीक है, करना लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, फॉलोइंग थ्री, ठीक है, इनमें से जो लिस्ट होगा उसकी क्या मिल जाएगी डिडक्शन। पहला क्या था, एक्चुअल रिसीप्ट, जो एक्चुअल रिसीव होता है कोई भी चीज़ हमें जो एक्चुअल रिसीव हुई है कितनी है, 12,000, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे 20%, 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5, 20, यहाँ से परसेंट हट गया, यहाँ से 20, 1/5, ठीक है, इसलिए हम 20% भी लिख सकते हैं और 1/5 भी। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जहाँ पे सिंपल बेसिक सैलरी का लेना है हमने, 4,80,000 का 20%, 96,000, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने कहा था 5,000, जो इनमें से लिस्ट हो, 5,000 हमने कोई कंडीशन नहीं, अभी पर मंथ है जो, ये सिंपल 5,000 है साल का ही टोटल, इसमें जो क्या है लिस्ट, लिस्ट क्या है 5,000, इसकी क्या मिल जाएगी डिडक्शन। क्या दोनों केसों में मिलेगी डिडक्शन, नहीं जी, किसमें मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिंपल। आप देखो टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी इसकी कितनी आ गई, 6,28,400, और इसकी 6,33,400, ठीक है। यहाँ पे डिडक्शन, यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिला डिडक्शन, पता चल गया। पहले ग्रॉस, पहले तो सिंपल जोड़ना है दोनों वाले, चाहे गवर्नमेंट अप्लाई चाहे नॉन गवर्नमेंट अप्लाई, उसके बाद गवर्नमेंट अप्लाई को हम डिडक्शन दे देते हैं अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सभी को इंटरटेनमेंट अलाउंस भी पता चल गया। अब बात करते हैं भैया, कल एक ना रह गया था कुछ, बताते बताते भूल गए, क्या थी वो चीज, आज आप सोच रहे होगे भी, हमें तो वो ओवर टाइम लॉन्स वगैरह कुछ बताया ही नहीं, लॉन्स तो आप कह रहे हो आज कंप्लीट हो गए। अब देखो हमने पढ़ लिया कौन से लॉन्स कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये 100% टैक्सेबल अलाउंस है, कुछ क्या है 100% टैक्सेबल अलाउंस, 100% टैक्सेबल, ठीक है। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, 100% टैक्सेबल कैसे हैं, कौन से हैं, हम लिखेंगे एफ फ्लो, फ्लो तो पता ही है जैसे कैश फ्लो, फ्लो और एससी भी पता होगा आपको, चाहे तो एससी का याम आते हैं, एसएससी के एससी, चाहे शेड्यूल कास्ट लगा लो। और इसके बाद एमएन जो कट्ठे आते हैं, एमएन, उसके बाद क्या लिखना है डी, इसको हम डीएमएन भी बोलते हैं, डीएम या एमडीएन या एमएन डी बोलते हैं, ठीक है, जैसे आपको याद हो आप वैसे याद कर सकते हो, फ्लो एससी एमएन डी। अब फ्लो का मतलब क्या है, कौन सा लॉन्स है, एफ का मतलब क्या है, एफ में कौन सा लॉन्स आता है, एफ में आता है जी फैमिली लॉन्स, जो फैमिली का लॉन्स मिलता है, फैमिली, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए फैमिली लॉन्स तो सिंपल 100% टैक्सेबल है। उसके बाद एल सी क्या है, एल सी है जी लंच जहाँ टिफिन अलाउंस, ठीक है, टिफिन अलाउंस। ओ से क्या है, ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस। डबल जू, डबल जू से क्या है, बार्डन अलाउंस,
और ऐसे क्या होता है हमारा, ऐसे सर्वेंट, ये अलाउंस है, ठीक है, सर्वेंट अलाउंस है। अब सी से क्या है, सिटी कंपन से ट्री अलाउंस, ठीक है। एम से क्या है, मेडिकल, नॉट अ मेडिकल फैसिलिटी, दिस इज क्या है, मेडिकल अलाउंस, क्या है जी, मेडिकल अलाउंस है, ये 100% टैक्सेबल है। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने मेडिकल अलाउंस दिया 5,000, उसमें से हमारा मेडिकल खर्चा होगा 3,000, पर हमने कुछ लेना देना खर्चे का इससे के साथ कुछ लेना देना नहीं है, हम डायरेक्टली 100% टैक्सेबल है। क्या है ये, मेडिकल अलाउंस, नॉट अ मेडिकल फैसिलिटी, क्या है ये, मेडिकल अलाउंस है, ठीक है। और नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, एन से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, और डी से क्या है, डेली अलाउंस, ठीक है, डेली ना, डेली नहीं, डी से क्या है, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, इसको क्या बोलते हैं, डी ए, ठीक है, डियरनेस अलाउंस। अब ये 100% टैक्सेबल थे, कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी अलाउंस में। अब बात कर लेते हैं कुछ भाई, एक दो बंदे ऐसे हैं जिनको अलाउंस टैक्स फ्री दिए जाते हैं, मतलब उसके उनको जो अलाउंस मिलते हैं वो कभी टैक्सेबल नहीं होते, कौन से बंदे हैं वो, जा कौन, किनको नहीं मिलते, किनको टैक्स नहीं देना पड़ता अलाउंस पे, 100% एग्जेम्प्ट होते हैं जो, ठीक है, एग्जेम्प्ट अलाउंस है तो भाई अलाउंस ही है, ये भी वही अलाउंस, अलाउंस वही रहेंगे, लेकिन जहां पे बंदा बदल गया, बंदा कौन सा, किनको 100% एग्जेम्प्ट होते हैं, पहला एससी, और एससी नहीं क्या लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एससी, और हाई कोर्ट एचसी, हाई कोर्ट एससी एचसी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कोर्ट, ठीक है, इनके जो जज होंगे उनको कोई भी अलाउंस मिलेगा वो 100% टैक्स फ्री होगा, उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं, जा एग्जेम्प्ट होगा। अगर इनको कोई डीएनएस अलाउंस मिला वो एग्जेम्प्ट है, जैसे हम लिख दिया बेसिक सैलरी इसकी मतलब 5 लाख है, ठीक है, और इसको डीएनएस अलाउंस मिला, ये ऐसे लिख देंगे डीएनएस अलाउंस, कितना मान जी मेरे, चाहे मान लीजिए आप 40,000 मिला, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, मतलब इसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, इसकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को, दूसरा बंदा, दूसरा एक जो हमने पढ़ा है ना अभी इंटरटेनमेंट अलाउंस, उसको ये अलाउंस भी बोलते हैं, समचरी अलाउंस, ठीक है, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा, किन किन के हाथ में नहीं होगा, जज के, और जज कौन से होंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तीसरा बंदे कौन है, यूएनओ, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएनओ के मेंबर होंगे, ठीक है, इनके जो मेंबर होंगे उनको जो अपने एम्प्लॉयर से मतलब यूएनओ से कोई भी अलाउंस मिलेगा वो क्या है, 100% एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और एक रह गया हमारा चौथा, अगर भाई कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है बनता, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और क्या है, रेजिडेंट भी है वो, ना रेजिडेंट नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और सिटीजन है हमारे कंट्री का, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको अलाउंस दिया, कहाँ दिया, फॉरेन में अलाउंस मिला, कहाँ, बाहर, और वो काम भी कहाँ कर रहा है, फॉरेन में, ठीक है, तो ये फॉरेन में जो अलाउंस मिलेंगे उसको वो क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। जे सभी, जे चार ही, सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर कोई भी अलाउंस मिलता है वो टैक्स फ्री है,
सेंचुरी लॉन्स भी इनको मिलेगा, वो भी 100% एग्जाम्ट है। सेंचुरी लॉन्स को हम एंटरटेनमेंट भी बोलते हैं, आपको बता दें, एंटरटेनमेंट लाइक है, एंटरटेनमेंट लॉन्स होता है, ठीक है। और उसके बाद यूएनए के मेंबर को, जो उसके मतलब एम्प्लॉयर ने मेंबर को कोई भी अलाउंस देगा, वो भी 100% एग्जाम्ट होगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सिटीजन ऑफ इंडिया और बाहर काम कर रहा है फॉरन में, उसको भी कोई भी अलाउंस मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री होगा। अब ये थी क्लास अलाउंस की, आई होप आपको अच्छा लगा हो। हमने सैलरी में जितने भी अलाउंस थे वो कवर कर लिए, जो एग्जाम ऑफ व्यू से आते हैं, ठीक है, वो हमने कवर कर लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एंड तक जरूर देखें, वीडियो को पूरा देखो, हमें सपोर्ट करो प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच।